सीमा है जो ISI एजेंट है। हम हिंदुस्तानी लोग ऐसे ही लोगों को गले लगा लेते हैं। पाकिस्तान में सारे के सारे नपुंसक हो गए। तो उसका पैसा क्या है वो पता कर लो ना एक बार। क्या पता भाई वो जासूस भी हो। कांग्रेस की तो दे ना पाकिस्तान। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति थी। उसके बाप को सीमा से प्यार है तो फिर उसको रहने में कोई बुराई नहीं। अगर पसंद है तो रख लो, जांच मत कराओ। 4 बच्चे जबरदस्ती हो गए। और सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो, अगर देश की भला चाहते हो इन सबको भगाओ, देश से खाली करवाना चाहिए। बिल्कुल सही नहीं बोला, उन्हें गलत बोल रहा है। कल परसों मुझे कह रहा था मैडम, घर अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत बढ़िया भाभी आई है। तो उस वकील को तो थैंक यू बोलना चाहिए कि जो हमारी पुलिस को जगाया। उस प्यार नहीं है ये अवश्य है। हाथ मार के भगाओ। पाकिस्तान से आई है, यहाँ शादी करेगी। एक महिला होकर कैसी बात करे। तो सरकार क्यों नहीं करवा रहे, क्यों मौन बैठा इसके ऊपर। सरकार अगर किसी चीज का रोक टोक नहीं कर सकती है तो ये सरकार का क्या फायदा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की। और हम आप पहुंचे हैं एक खास मुद्दा लेके आप सभी लोगों के बीच, और वो मुद्दा है सीमा हैदर से जुड़ा। जी हाँ, मुद्दा है भारत और पाकिस्तान से जुड़ा, मुद्दा है भारत की सुरक्षा से जुड़ा। दरअसल पहले जब सीमा हैदर सुर्खियों में आई थी, तब उनकी प्यार की, उनके प्रेम की कहानी जो है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी। लगभग हर चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी चर्चाएं जो हैं वो लगातार की जा रही थी। लेकिन अब एक और मुद्दा जो है वो इसी के साथ उठने लगा है, वो है देश की सुरक्षा का मुद्दा। जहाँ एक तरफ लगातार प्यार की स्टोरीज जो है उनकी सुनाई जा रही थी, वहीं अब सुरक्षा का मुद्दा भी सामने आ गया है। लगातार जो उनके विपक्ष में है, सीमा हैदर के जो विपक्ष में है, वो देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं कि कैसे एक महिला 4 बच्चों के साथ भारत में प्रवेश कर जाती है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। हालांकि अब जो यूपी सरकार है, ATS जो है, वो सीमा हैदर ने उनको, सीमा हैदर उनकी अब गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन इस विषय को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता क्या राय रखती है, हम जनता से बात करते हैं कि वो सीमा हैदर की ये प्रेम कहानी को किस एंगल से देख रही है। बात करते हैं, अंकल क्या नाम है आपका। सीमा हैदर की जो स्टोरी चल रही है वो आप भी जानते होंगे, पहले उनकी लव स्टोरी चल रही थी, अब देश की सुरक्षा का मुद्दा सामने आ गया है, क्या। देखिए, ये जो देश की सुरक्षा का पहला जाता है कि जो वहाँ पे भी हमारी, मतलब जो पुलिस थी, एयरफोर्स थी, जो भी थी मीडिया, तो ये सबसे बड़ा पहले उन्हीं को चिन्ह में जाता है कि उन्होंने जो भी देखा, कैसे आंखों में ची काम किया है कि विदाउट उसके आई है वीसा के, तो कैसे यही है कि उन्होंने वहाँ से पहले पाकिस्तान का दुबई से नेपाल का लिया, और दुबई और नेपाल से फिर जो है यहाँ पे आया, हिटो पोखरा से होती हुई भाई बस होके आई है। तो कहाँ गया था हमारा सिस्टम। सबसे पहला तो जाता है ये कि हमारा सिस्टम ही ख़राब है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति थी। हम तो यही कहेंगे, राजनीति कैसे, राजनीति हो सकता है कि किसी के निकालने के लिए, कि देश को ख़राब करने के लिए। एक फिल्म आई थी एकता टाइगर, याद है ना, उसमें क्या सारी पूरी ये पूरी रामलीला उसी तरह से स्क्रिप्ट लिखी हुई है ये पूरी तरीके से। और ये स्क्रिप्ट को जो मामला किया, फिर बाद में क्या हुआ, वो पिक्चर एक तरह से रियलिटी थी। ठीक है, वो चाहे हीरो देश के ही थे, हमारे हिंदुस्तान के थे, मगर एक स्टोरी पूरी बनी हुई थी। तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर बहुत बुरी हुई है। और ये जो है, हम तो यही कहेंगे कि जो भी विजिलेंस और ये जो भी है, इसी तरह से भी इसको किसी तरह भी। आप सीमा हैदर को किस तरीके से देख रहे हैं, एज ए लव स्टोरी देख रहे हैं या फिर कुछ स्टोरी नहीं देखी, इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी सियासत है। अच्छा। बहुत बड़ी सियासत है या फिर देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं, सुरक्षा में भी कल को चूक हो सकती है। अभी आपको मैं 15 अगस्त भी आ रहा, अपने तो देश का एक अंसारी भी था, याद है ना, प्रोफेसर हमारे देश में पढ़ाता था, बाद में क्या हुआ, फांसी हुई ना, तो इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे हम, उससे ज़्यादा। तो ये तो सुरक्षा के मामले में इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री में भी जितना जल्दी से जल्दी हो इसमें एक्शन लेके करने देनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि SIT वगैरह सब बैठ गई हैं, और बैठने के बाद में जो भी होगा इसका एक मुद्दा निकलना चाहिए, और जितनी जल्दी हो, और पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कैसे आए, कैसे, चार चार सिम, चार चार मोबाइल, आगे डांसर भी है, अच्छी इंग्लिश बोल रही है, अच्छी हिंदी बोलती है, 5वीं पास हूँ मैं, अच्छी उर्दू बोल रही है, अच्छा डांसिंग कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना हो। और हो सकता है इसका भाई भी वहाँ की पाकिस्तान पुलिस में है, आर्मी में है, फौज में, तो ये सब चीज़ें क्या, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है हमारे लिए, देश के लिए खतरा ही लग रहा है कुछ। लेकिन सर, सवाल तो अब ये भी उठ रहा है ना कि अब इतने महीने के बाद क्यों जागी है पुलिस, अब क्यों जांच कर रही है। ये तो उस इस वकील का बहुत बड़ा धन्यवाद है, जो उसने, ये तो अब तक चल ही रहा था अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड्स में, तो जब जैसे भी अपने उस वकील से राय लेने के लिए गए, तो हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा कि कैसे क्या क्या करना पड़े, तो उस वकील को तो थैंक यू बोलना चाहिए कि जो हमारी पुलिस को जगाया उसने, और जगाने के बाद में पुलिस आई है अपने उस पर। और यहाँ के लोग जो है, कुछ लोग ऐसे थे कि भाई उसका वेलकम कर रहे हैं कि ऐसा है, हिंदुस्तान की बहू हो गई, फलाना हो गई, ये हिंदुस्तान की बहू नहीं, क्या पता बहू पूरा घर ही उजाड़ दे।
मतलब अगर मान लीजिए जैसे वो आ गई है, इतने महीने उनको यहाँ पर हो गए, अगर ऐसा ही कोई इंसान वहाँ चला जाता हमारे भारत, अगर हमारे भारत देश से, अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता उसके साथ में, अब तक तो उसके पीस वीस बन गए। खुद ही बोल रही है कि अगर ये चले जाते तो फिर वो बचते ही नहीं। मैडम वो पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी बात है जो आ जाए वेलकम, चाहे कोई भी आ जाए वेलकम वेलकम वेलकम। ये हमारी पता नहीं या तो धर्म में लिखा हुआ है या हमारे उसमें करा हुआ है, तो ये सबसे बड़ी बात हम कहेंगे। भैया से बात करते हैं, भैया सीमा हैदर की स्टोरी सुनी है? सुनी है। अच्छा, अब उसमें एक और एंगल निकल कर आ रहा है कि अब देश की सुरक्षा पे सवाल खड़े हो रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं उसे? जिसकी जो मर्जी हो वो मर्जी हो भाई। अच्छा, नहीं अगर कोई पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आ रहा है तो सवाल क्या उठता है? काफ़ी बातें हो रही है उसके ऊपर, तो अभी चर्चा वो चली हुई है सीमा हैदर के ऊपर कि भाई वो आई है पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके ऐसी बिना इलीगल उससे आई है। आपको क्या लगता है, आप जनता हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस पर क्या होना चाहिए? होनी चाहिए कार्रवाई, तो क्या पता भाई वो जासूस भी हो, क्या पता जासूस ना भी हो भाई, क्या पता वो पबजी गेम से मिली है वो, तो उसमें प्यार हो तो भाई अच्छा है, ना हो तो भाई देखी जाएगी। एक और है सर, उनसे बात करते हैं, क्या नाम है सर? अनूप। क्या क्या लगता है आपको, क्या जो सीमा हैदर की स्टोरी चल रही है कैसे देखते हैं उसको? लव स्टोरी पहले कही जा रही थी, अब दूसरा एंगल कौन सा लव है उसका? पहले जो उसका पति था जो पाकिस्तान में, हाँ। उससे भी तो लव मैरिज की थी। अच्छा, अब इससे कर ली तो नकार रही है कि लव कौन नहीं थी। कौन कह रहा है? सीमा हैदर तो ये कह रही मुझे कलमा भी नहीं पढ़ना आता, हाँ। तो पूरी उम्र 60 साल की उसकी उम्र हो रही है, श्री राम बोल रही है 60 साल की उसकी उम्र हो रखी, 60 साल से वो पाकिस्तान में रही, एक मुस्लिम से ब्याह करके रही, उसको कलमा नहीं आता, और यहाँ के वो जय श्री राम बोलने से क्या होगा? नहीं, जय श्री राम से बोलने क्या होता है? जय श्री राम बोलने का मतलब ये तो खुशी की बात है ना कि कोई पाकिस्तानी जय श्री राम बोल रहा है। अच्छा, खुशी की बात नहीं है तो? खुशी की बात, पाकिस्तानी बोलो जय श्री राम सब बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, दुबई के शेख भी बोल रहे जय श्री राम, तो हाँ। तो इसका मतलब कुछ नहीं है कि उसको भीड़ इकट्ठा कर लो। अच्छा, लेकिन ये भाई अब इतने टाइम बाद पुलिस जागी है, एटीएस जांच कर रही है, तब तक पहले कहाँ थी? तो कर रही है ना, अब तो कर रही है, अब क्यों जागी है? अभी अगर 2-3 महीने में कुछ बड़ा अगर कुछ हंगामा हो जाता फिर क्या? देर आए दुरुस्त आए, काम तो हो रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ इसको उठा के वापस फेंक दो पाकिस्तान। वो तो जाने को, वो तो कह रही है मैं जलूंगी, मैं दफन नहीं होंगी। कहाँ? सीमा हैदर खुद बोल रही है। अच्छा, वो फालतू जगह थोड़ी ना, यहाँ पे किसी को भी अलाउड जला दो। अच्छा, अपने पास देश तो आती थी, देवो भवा कहता है, तो कुछ तरीका होता ना आने का, ऐसे मुंह उठाओ कर आ जाओगे। अच्छा, लेकिन अब तो वो साफ बोल रही है मैं जाऊंगी नहीं, मैं तो यहाँ पे जलूंगी, दफन नहीं होंगी। कोई सीमा हैदर और आ जाएगी कोई सीमा कि मैं भी यहीं जलूंगी यहीं दफन होंगी, तो कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। सरकार को क्या कहोगे आप? तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, लेकिन एक दो सरकार को यही कह रहे हैं सब, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो अब हो जाएगा। आप कह रहे हैं ना उठा के फेंको वापस, सरकार की कमी है ना, देर किया। अच्छा, अब तक तो उठा के वापस फेंक देना चाहिए था। एक शख्स तो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है। क्या हो सकता है? कौन कर रहा है? क्योंकि सरकार में तो भाजपा है, भाजपा भी कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है बदनाम करने के लिए, क्या पता सरकार को कांग्रेस कर रही हो। कांग्रेस तो अभी नहीं है पाकिस्तान में, कांग्रेस की तो देन है पाकिस्तान, कांग्रेस तो पीएम मोदी जी भी है वहाँ। कहाँ? नहीं, पाकिस्तान बना किसकी देन है? अच्छा, किसके कारण विभाजन हुआ था? कांग्रेस के कारण ही तो हुआ था। बांग्लादेश किसके कारण बना? कांग्रेस के कारण बना। हो सकता है वही राजनीति फिर से खेल के सीमा इधर को ले आए। अच्छा, हाँ, तो फिर होना क्या चाहिए? उठा के वापस फेंको, लात मार के भगाओ। नहीं गई तो क्या करूं? लात मार के भगाओ, ऐसे कोई जबरदस्ती है, धर्मशाला है? कोई हिम्मत है तो दाग। हमारे देश का जो सचिन है वो भी यही कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर जाएगी तो इसकी लाश जाएगी। उससे पहले उसको भेज दो, सचिन को भेज दो। हाँ, बचेगा अगर पाकिस्तान चला। एक बात बताओ, वो क्यों बचे फिर यहाँ भारत में? यहाँ पे फालतू है। तो सीमा तो खुद कह रही है कि अगर ये पाकिस्तान चले गए तो ये बचेंगे ही नहीं, तो उसको हम क्यों रखें? तो पाकिस्तान सचिन को कबूल नहीं कर सकता, तो हम उसको कबूल क्यों कर लें? और उसका बाप भी कह रहा है सचिन का बात, हाँ। सीमा अगर चली गई तो मैं जान दे दूंगा। अबे प्यार सचिन से क्या, उसने सचिन से को सीमा से प्यार है या उसके बाप को सीमा से प्यार है? अच्छा, चलो प्यार अंधा होता है, मान ले आपकी बात, वो भी कह रहे कि प्यार अंधा होता, प्यार हो गया तो सचिन से प्यार क्या है, उसके बाप से प्यार क्या है? उसका बाप क्यों मर रहा है ये बता दो। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान चली जाएगी तो उसका भाव है भाई, उनका मोह है उनसे, वो है उनकी 2 दिन का। अच्छा, जब प्यार तो 2 साल का भी होता है, 2 दिन का। अबे 4 बच्चे लेके आई, जिससे 4 बच्चे किए उससे प्यार नहीं हुआ तो सचिन से हो जाएगा? अच्छा, हो सकता है कल फिर से पबजी भारत में चालू हो जाए, अब तो बैन है, हो सकता है कल पबजी भारत में फिर चल रही है, अभी भी चल रही है इंडिया वाली पबजी। नहीं, कभी किस जगह चल रही नहीं, वो पहले वाली पबजी जिस पबजी से प्यार करके आई है। अच्छा, वो पबजी अगर भारत में फिर से शुरू हो गया तो ये फिर चलाएगी पबजी। अच्छा, हो सकता है फिर नेपाल में किसी से प्यार हो जाए इसको, बांग्लादेश में किसी से प्यार हो जाए, सचिन को फिर छोड़ दिया। मेरा पहला और आखिरी प्यार है। अच्छा, तो वो क्या था जो 4 बच्चों वाला? अच्छा, 4 बच्चों वाला क्या था? तो जबरदस्ती कराई थी। अच्छा, 4 बच्चे जबरदस्ती हो गए? हाँ। बच्चे जबरदस्ती हो गए? अच्छा, हद।
एक महिला होकर कैसी बात करे। नहीं, जो उन्होंने बोला है हम वो बता रहे हैं, हम तो खुद उनका इंटरव्यू लेके आए, बोला है हमसे। आप मानते हो कि बच्चे जबरदस्ती हो सकते हैं? उन्होंने हमें बोला ना, हम तो उनकी बात बता रहे हैं। आप मानते हो? नहीं मानते। मेरी शादी नहीं हुई, मैं नहीं बता सकती। नहीं, बच्चे जबरदस्ती हो सकते हैं? चलो प्यार शादी जबरदस्ती कर दी, बच्चे जबरदस्ती हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर जबरदस्ती तो क्या हो, रेप केस? हाँ, शादी के बाद भी रेप केस लगता है। लेकिन वो तो ये भी कह रही है कि उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है, और वहाँ हैदर बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। कहाँ कागज दिखा दो फिर, तलाक दे दिया? अरे उन्होंने जैसे वो जो मुस्लिम्स में बोलते हैं, अरे चार पासपोर्ट लेके आ गई तो एक तलाक का कागज और ले आती साथ में, दिखा देती मेरा तलाक हो गया है हैदर से। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आपकी जो ये राय है वो देश की, जो देश है, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन तक पहुंचे और जांच हो। और भी लोग हैं सर, क्या कहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं जी। मैं यही कहूँगा, ये सीमा है जो ISI एजेंट है। अच्छा, बिल्कुल। कैसे कह सकते? क्योंकि इसके पास चार पांच पासपोर्ट हैं, और ये पाकिस्तान से के थ्रू दुबई होकर नेपाल होकर इंडिया आई है। हाँ, कोई ये जो मैंने अभी तक सुना है, पांचवीं पास है। ये पांचवीं पास महिला कोई भी ऐसे कैसे आ सकती है? हमारी तो पांचवी पास महिला दिल्ली टू ग्वालियर या कोई दूसरी सिटी भी नहीं जा सकती। हाँ, तो ये उनका प्यार है, वो अपना घर बेचकर, अपना घर बेचकर अपना प्यार प्याने इंडिया आई। नहीं, प्यार को आप बेच दिया उन्होंने लाखों रुपए का। नहीं, प्यार को आप साइड में रखें, ये पाकिस्तान की तो स्टोरी चल रही है। अरे ठीक है, साइड में प्यार से, पर ये जो भी है ISI एजेंट है। आपको आप ऐसे कैसे कह? अभी जो अभी रिपोर्ट आ जाएगी, जैसे UPATS ने इसको ले लिया अपने अंडर में। हाँ, तो अभी वो इसके साथ इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी तो लिया है? हाँ, कहाँ थे? अभी तो लिया है ना, पहले कहाँ थे? पता है कितने महीने हो गए सीमा को? 6 महीने कुछ हो गए। हाँ, तो उसके लिए इससे क्या कर रहे थे? कुछ और हो जाता था? यही तो, इसके लिए सचिन पर भी FIR होना चाहिए और सीमा पर भी FIR होना चाहिए, क्योंकि सचिन ने अपडेट नहीं किया था, जो लोकली पुलिस स्टेशन है उधर। ये है बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? जय प्रकाश। क्या सोचते हैं सीमा अदर की लव स्टोरी पे? नहीं, स्टोरी तो डाउटफुल लगती है मेरे को हर चीज़ में। क्या लग रही है डाउटफुल? उसका मतलब जाँच जरूरी चाहिए पहले। क्या जाँच होनी चाहिए? जाँच ये होनी चाहिए जो मतलब अवैध तरीके से घुसी है, उसकी जाँच जरूरी होनी चाहिए। दूसरे इसके पास चार चार आधार कार्ड है, चार चार मोबाइल, पता नहीं क्या क्या है इसके। इसका पति जो वहाँ पे दुबई में बैठा है वो भी कह रहा है अभी मैंने तलाक नहीं दिया। अच्छा। चार बच्चे भी आ गए, तो सीमा के मतलब इसका पूरी जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान के लिए खतरा भी हो सकता है आगे के लिए, जांच पूरी होनी चाहिए। इसलिए अब पता चल रहा है कि खतरा हो सकता है? अब नहीं, जाँच शुरू से, सरकार शुरू से थे, तो पहले किसी को पता नहीं था। वो तो इन्होंने जब कोर्ट में गए, जो बताया वकील ने बताया, तब इनके पता लगा। अगर पहले पता लगता था, ये तो हिंदुस्तान के जो नागरिक है उसको सोचना चाहिए ना। पहले तो चार बच्चों की माँ से, तो हिंदू के नागरिक तो कह रहे हैं भाई प्यार सभी सरहदों को पार उसी को कर। जिसने प्यार किया ना वो अंधा था क्या? चार बच्चे तो चार बच्चों की माँ से प्यार कर रहा है, कैसे प्यार कर रहे भाई? प्यार तो कुछ नहीं देखना, पैसा मिला। अच्छा, प्यार नहीं है ये अवश्य है। और प्यार क्या नहीं देखता है? एक मिनट, प्यार क्या नहीं देखता है? पैसा नहीं देखता है, चेहरा नहीं देखता है। उस लड़की जो हैदर है, तो जिसके शादी तो दुबई में 50,000 तो कुछ भी नहीं देखता है। 50,000 रुपए कमा के दे रहा, जिसका मकान ये बेच के आ गई। ये मैंने खुद खरीदा है, खुद मेहनत करके। बल्कि जो क्या करती थी, क्या करती क्या थी? ISI के एजेंट है, ISI पैसे दे रही थी, क्या करती थी? घर पे रहती थी, क्या करती क्या थी? जॉब बता दो कि ये जॉब करती थी वहाँ से मेरे पास। मैंने तो खुद हैदर को विलायत भेजा है अपने पैसे जोड़ जोड़ के, वहाँ से कमाई। उसका काम तो बताया कि पाकिस्तान में वो काम क्या करती, जॉब क्या करती थी, जिससे उसने 12 लाख पैसे कमा लिए, जिससे मकान खरीद लिया और उसको बेच कर हैदर को भी दुबई भेज दिया। काम क्या करती थी, उसका जॉब पैसा क्या था? तो ये भी बोल रही है कि अगर सीमा सचिन कुछ नहीं करता है तो हैदर दुबई से आने के बाद क्या करेगा, वो तो खुद बेरोजगार हो जाएगा। अरे पांचवी फैल अपने आपको वो बता रही है, पांचवी फैल के पास ऐसी पाकिस्तान में क्या जॉब थी जिससे उसने 12 लाख का मकान ले लिया? जॉब क्या थी वो? सालों की मेहनत बता रही है। क्या मेहनत थी? लोगों बागों की उम्र चली जाती है मकान बनाने में। हाँ, उम्र चली जाती है सीधी की सीधी, पूरी उम्र बीत जाती तब मकान नहीं बना पाते। उसने मकान भी बना लिया और 12 लाख में उसको बेच भी खाई, तो उसका पैसा क्या है वो पता कर लो ना एक बार। आपको क्या लगता है? ISI एजेंट मिलेगी? हाँ भाई, ISI एजेंट बता रहे हैं जो हिंदुस्तान में इस वक्त महिला है, क्या कहेंगे उसके लिए? मैम देखो, जो ये सीमा इधर है इसको हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, ये जासूस भी हो सकती है इस टाइम। ठीक है, हो सकती है? नहीं, हो सकती है, होगी तो इसको फेंक देंगे पाकिस्तान में। क्या लगता है? तब तक तो भाई सब कुछ निकल जाएगा। भाई इतने महीने से है, सारी रिपोर्ट दे दी होगी उसने तो, अगर एजेंट है तो। पूछ लिया होगा उसके अपने वो से। पाकिस्तान से आकर के ये कह रही है कि मैं हिंदी सीख के आ गई हूँ, तो हिंदी सीख के पाकिस्तान में
पाकिस्तान वालों को हिंदी आती है। वो कह रही है, अपने आप को बता रही है कि मैं हिंदी सीख के आ गई। तो हिंदी सीख के आ गई तो वो क्या बताएगी कि मैं हिंदी सीख के आ गई? क्या मतलब है इसका? इंडिया को ऐसा बना दिया गया है कि जो आता है ना अगर बाहर के देश से, तो आओ, इसको रोका नहीं जाता। कोई भी अगर कहीं से आता है इंडिया में तो उसको आने दिया जाता है। अगर कोई तरीके से आता, पासपोर्ट वीजा लेके आता तो ही वेलकम है। जबरदस्ती तारों के नीचे से जबरदस्ती आने वाले की वेलकम नहीं है भाई, कानून तोड़। देखो अगर आप जैसे आप वीजा पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद ये बात बोली है कि 4 बच्चे मेरे साथ थे, मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी तो किसी ने ज्यादा मेरी जाँच की नहीं। अच्छा, बेटी ऐसे आ जाएगी? ये पता नहीं चला के सारे पाकिस्तान में सारे के सारे नपुंसक हो गए के जो भारत में आई हुआ, ये पता नहीं। कल प्यार तो किसी से भी हो सकता है। नहीं, प्यार करना अच्छी बात है, भाई बहन का होता है, माँ बाप का होता है, सबका प्यार होता है। मैं ये कह रहा कि सारे नपुंसक हो गए थे पाकिस्तान वाले। अच्छा। जो के यहाँ पे जी उसका भाई आर्मी में, वहाँ 6 पासपोर्ट ले रही है, 3 ID ले रही, जबकि हमारी एक पहचान होती है हमारी, होती नहीं होती फिर इस पे हमारी। देश के लिए क्या कहोगे? देश ने अभी तक जांच नहीं करी, अब नींद खुली है, अब UPATS उस पे जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, तब से बेल पाई, जांच चालू है, क्या बात होगी? तो अभी क्यों करी है, पहले 3-4 महीने से? जब पता चलेगा जब ही तो होगा, कुछ नहीं पता चलेगा। अभी आपके साथ के लोग बोल रहे हैं कि इल्लीगल तरीके से कोई आता है तो जांच होनी चाहिए, अब इतने महीने से जांच नहीं हुई, आप कह रहे हो जांच? UPATS को सीमा हैदर की जांच नहीं, सचिन को, सचिन के फादर को ले जाकर वो एक वो पट्टा आता ना राधे राधे वाला, वो उन दोनों के ऊपर बताना चाहिए। अच्छा। वो सारे बता देंगे कितना मिला है तुम्हें। अच्छा। कि इसको यहाँ लाने का। अच्छा। हाँ, यानी कि ये सचिन की फैमिली में मिली भी हो सकती है? क्यों हो सकती नहीं है? अच्छा। ये ऑलरेडी है, बड़े बड़े श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं, जांच करवा के देख लो, सबूत के साथ पट्टे बजा के देख लो राधे राधे वाले इनके ऊपर। अच्छा। अपने आप राधे वाले पट्टे। हाँ, राधे राधे वाले पट्टे। एक बात बताओ, 5वीं फाइल इतनी फर्राटेदार वो हिंदी बोल रही, भारत की लोकल लैंग्वेज, यूपी की और दिल्ली की, दिल्ली NCR की लोकल लैंग्वेज इतनी फर्राटेदार बोल रही है, और उसको क्या कहते हैं इसको, इस्लाम कुरान वगैरह सीखना कौन सी बड़ी, हिंदी लोकल है तो हिंदी भी सीख सकते हैं। भारत में कितनी भाषा बोली जाती है, हर क्षेत्र में भाषा बदली जाती है ना, जिस क्षेत्र में आई है उसी क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज कैसे बोल पा रही है वो? हिंदी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली NCR और नोएडा तो एक शब्द उर्दू का यूज नहीं करती है। वही तो, आप अगर बिहार से हैं, मैं हरियाणा से हूँ, कोई भाई उत्तराखंड से है, एक मिनट, अगर मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ, मैं प्योर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मैं 3 मिनट अगर बात करूँगा ना तो भी मेरी लोकल लैंग्वेज वहाँ झलक जाएगी, उसकी उर्दू की लोकल लैंग्वेज क्यों नहीं झलक रही, उसका क्या चक्कर है? अब ये कह रही कि मैंने अप्लाई किया था पासपोर्ट वीज़ा के लिए, 4 पासपोर्ट ले आए, वो अप्लाई के कागज भी ले आती साथ, क्या मैंने अप्लाई किया था, आप लोगों ने दिया नहीं है? अरे सीधे सीधे बहुत सारे सवाल जो है वो इस वक्त यहाँ से खड़े हो रहे हैं, और सीधे सीधे बिल्कुल एक ना किसी क्वेश्चन मार्क के साथ सीधे सीधे सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। विवक्षी नुगरे मारी लियो भेज दो, हम तो हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और सर क्या नाम है आपका? नवीन नाम है। सीमा हैदर की स्टोरी सुनी है? हाँ सुना है। क्या लगता है? सही है, जो भी है, अगर कुछ भी उसमें डाउटफुल है तो हमारी राय, हमारी इंटेलिजेंस है, तो वो तो अभी तक छोड़ी नहीं। इंटेलिजेंस कहाँ थी जब इल्लीगल तरीके से भारत में आई थी? वो हाँ, वहाँ पे जो है वहाँ इंटेलिजेंस तो नहीं थी, बट जो सुरक्षा बल होते हैं, जो हमारी सीमा की ये कमी है। हाँ डेफिनेटली ये सुरक्षा बल की कमी है, तो हमारे गृह मंत्रालय को इस पर रिपोर्ट लेनी चाहिए, लेकिन अब जो हाईलाइट ये चीज़ें हो गई हैं तो भारतीय कानून है उसके हिसाब। ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज़ मतलब लाइट में आने के बाद, लाइमलाइट में आने के बाद ही उस पर एक्शन लिया जाता है? ये थोड़ा अपने वहाँ स्टैंडर्ड है इंडिया में, जब तक आप पूरा हाईलाइट नहीं हो गए तो अभी सरकार जो है वो एक्टिव नहीं होती है। अभी यहीं देख लो आपका क्या नाम है, ये जो हमारे ओलंपियन थे, कितना बवाल काटा, फिर रेसलर्स जो हैं, और अभी तक उस पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, वो खुला घूम रहा है। हाँ घूम रहा है वो, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो है ये अभी कानून व्यवस्था तो है, नो डाउट ये गलत है। क्या होना चाहिए अभी जो भी कानूनी प्रोसेस है सीमा हैदर के बारे में, अगर वो फेयर है तो एज ए ह्यूमन उसको मतलब मिलना चाहिए भारत की नागरिकता, अगर वो गलत है। भारत की नागरिकता क्यों मिलनी चाहिए? वो पाकिस्तान से आई है, यहाँ शादी करेगी, अगर लीगल तरीके से आई है, इलीगल तरीके, उसका कोर्ट में कानून है ना, ये चोरी से, और ये भाई साहब यूँ कह रहे गए, ये राहुल वाले हैं, कोर्ट तय करेगी सजा, अब तो वो पता चल गया इलीगल है, तो कोर्ट और कानून अपना काम करेंगे, आफ्टर दैट जो भी होगा
ठीक है, फिर भी वो नहीं जाना चाहती है और हमारे पूरे इंटेलिजेंस जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये कोई वो वहाँ के एजेंट नहीं है, तो फिर उसको रहने में कोई बुराई नहीं। अंकल भी है हमारे साथ, बात करते हैं। अंकल, सीमा हैदर का जो इस समय मामला चल रहा है, लगातार कोई कोई प्रेम कहानी बता रहा है, कोई उसको ISI का एजेंट बता रहा है, कोई खुफिया एजेंट बता रहा है, आपको क्या लगता है? मैं इसके बारे में नॉलेज नहीं, इसके बारे में अच्छा मालूम नहीं है, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि अगर कोई दूसरे मुल्क का जो इंसान है अगर वो इल्लीगल तरीके से भारत में आता है तो क्या होना चाहिए? उसके हिसाब से फिर तो कानून कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों आया उसको फिर रोक टोक होनी चाहिए उसकी सरकार की, ऐसे तो क्या फ़ायदा है? सरकार अगर किसी चीज़ का रोक टोक नहीं कर सकती है तो ऐसे सरकार का क्या फ़ायदा है? भाई बाहर से कोई आकर के आतंकी हमारे यहाँ मुल्क में कुछ गलत कर जाए तो उसके लिए रोक टोक होना चाहिए, और वो नहीं रोक टोक करती तो ऐसे सरकार को फायदा नहीं है। जो इसकी सुरक्षा ही नहीं कर सकती है जी, जो भी आए इस देश में जो मर्जी करके चला जाए हैं, फिर आप किस चीज़ के अधिकार, आपका क्या मतलब है इसकी सुरक्षा पे? जी जी, देखो ये आप जो बोल रहे ना कैसे आ गया, अरे सुनो कैसे आ गया मैं बता रहा हूँ, अरे सुन तो सही, आप जो बोलो कैसे आ गया, क्या होता जो पोखराम से जब इंडिया अपना इंडिया में आते ना नेपाल से जो है नेपाल में क्या किया जो मतलब सिंधु टिकली लगा लिया, हाँ टूरिस्ट में, तो जब नेपाल वाले को तो वीजा नहीं लगता इंडिया में आने का, पासपोर्ट लगते हैं भाई, इंडिया की या नेपाल की बेटी रोटी की रिश्ता है, आप जाकर देख लो मदेशी रोक नेपाल में भी रह रहा है इंडिया में भी रह रहा है, उसमें क्या हुआ जब बस से आया तो चेक नहीं कर पाया, इनके साथ चार बच्चे थे, तो चार बच्चे थे बिंदी सिकली लगा रहे, चेक नहीं करते इतना भाई, एक दो पुलिस आता है गाड़ी में चेक करता है हल्का फुल्का, देखा भाई चार बच्चे भाई लोकल ही होंगे भाई नेपाल के इंडिया जा रहे होंगे, इसे चेक नहीं कर पाए, मिस ही होगा, अब देश में आया चेक जाँच तो कर रहे हैं भाई, हमारा ITS जांच करे, IB जांच करे, UE जांच कर रहे हैं, पुलिस जांच कर रहे हैं, पांच एजेंसी मिलकर जांच कर रहे हैं, अगर गलत होगा तो उसको भगाएंगे, हम तो कह रहे हैं जब अभी हो ये जांच, जब राजीव गांधी के समय में 5 लाख घुसपैठियों का रखा गया, 10 लाख घुसपैठियों को इंडिया में, उसको भगा क्यों नहीं रहे, क्यों ना भगा रहे, जब फ्रांस वाले भगा रहे, जब अभी बात चल रही है, अभी जो सरकार है वो देश की सुरक्षा की बात करती है, तो अब क्या हुआ? अभी सरकार के हम यही सरकार के बोल रहा हूँ, जब मान लो तुर्की जब सीरिया वाले को जो शरणार्थियों को भगा रहे अपना सीरिया तुर्की को खाली करवा रहा है, फ्रांस वाले अपने फ्रांस से खाली करवा रहा है शरणार्थियों के, भारत को सरकार क्यों नहीं करवा रहा है, क्यों मौन बैठा है इसके ऊपर, क्यों मौन बैठा है, सबको खाली भगाना चाहिए, यहाँ सीमा हो चाहे नीमा, आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे, जय सीमा हो चाहे नीमा हो चाहे अब्दुल हो चाहे अब्दुल हो, सबको भगाना चाहिए यहाँ पर, जितनी रोजगार पर आपने जितनी कवारी वाले जितनी वाले रात को दिन को कवारी के काम करता है, रात को गाय भैंस चोरी करने का काम करता है, आप जाके देखो गांव के अंदर में ये रात के ही काम करते हैं, समझ गए, सरकार को सबसे पहले इनको उठा के बाहर फेंकना चाहिए, चाहे सीमा हो रीमा हो सबको बाहर भगाना चाहिए, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो चाहे म्यांमार के वाले हो चाहे रोहिंग्या वाले हो, सबको यहाँ से भगाना चाहिए, समझ गए, हम सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, अगर देश की भला चाहते हो इन सबको भगाओ, देश से खाली करवाना चाहिए बिल्कुल। और लोगों के बारे में क्या बोल रहे थे भैया? सही नहीं बोला, गलत बोल रहा, कल परसों मुझे कह रहा था मैडम, कह रहा अच्छा लग रहा मैडम, बहुत बढ़िया भाभी आई है, हाँ गलत बोल रहा है, ये खुद ही कह रहा है, इसके मुंह पे बोल रहा, कह रहा भाभी आई है बहुत अच्छी पसंद है, भाभी आई है मैडम पसंद लगी, अच्छी लगी है, बढ़िया है भाभी है, यूपी में आई है, कह रहा स्वागत है, गांव वाले भी देखने आ रहे, सभी देखने जा रहा है, अब क्या कह रहा है इंक्वायरी बिठाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, अबे जब भाभी पसंद है सब कुछ पसंद है तो फिर क्यों इंक्वायरी बिठा रहे, क्यों भाई भाभी बाद में फिर ये ना कहे जैसा हो गया वैसा हो गया ये हो गए वो हो गए, छाछ ही मत कर, एक ही बात कर, दो बातें देखो, जो जो मुमताज सुनो सुन तो मेरी बात सुन, जो मुमताज जो साजा भी मुमताज जितना प्यार नहीं करते तो सीमा ने भाई उसे सचिन से, मैं वही तो कर रहा हूँ, अभी आप प्यार का मुद्दा उठा रहे हो, अभी आप सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हो, अरे बोलो क्या जांच करने चाहिए, सरकार हमारा पांच एजेंसी जांच कर रहा है, जांच करना चाहिए, हमारा दत्त बनता है सरकार को जांच करना चाहिए, जो दोषी होगा दोषी को दंड मिलेगा। मैडम मैं एक ही बात कहूंगा, दो बात कह रहे हैं मैडम, अगर पसंद है तो रख लो, जांच मत कराओ, अगर जांच करा ना तो फिर पसंद नहीं है तो फिर एक काम करो भेज दो, अभी आप कुछ और, अभी 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 भैया एक मिनट अभी भैया आप कहीं किसी और जगह का नाम भी ले रहे थे कि वहां पे भी बहुत सारे लोग, हाँ मनुडेला में बैठा मैडम, और भी है राजस्थान में भी मनुडेला में मैडम बहुत सारे मैडम, किस कौन है वहां पे जो पाकिस्तान से आया मैडम, हिंदू है मुसलमान, सरकार नहीं तो उनको शरण बिठा रहा मैडम, उनको दिखा रहा है तो मैडम, सरकार नहीं तो शरण तो शरण दिया मैडम, ये सरकार खुद ही करो, कराओ ना फिर तो, फिर जांच मत कराओ, फिर या तो भेज दो फिर भाई, क्यों आया और क्यों नेपाल से आया मैडम, इसमें किसी का रोल होता अभी तो मैडम, आप भाभी आप अपनी भाभी के खिलाफ जांच करवा रहे हैं, भैया बोल रहे हैं बिल्कुल जांच हो, चाहे भाभी हो चाहे हमारा बाप क्यों ना, अगर हमारा बाप भी गलत हो उसको भी जांच होना चाहिए, भाभी क्या बात करो, अगर हमारा देश के हित में दो तरफा जो हमारा देश के हित में काम होगा उस सरकार का कदम उठाना चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल सहयोग करते हैं सरकार को, जो हमारा देश के हित में हो जो हमारा देश की उस सही में हो उसको कदम उठाना चाहिए।
चाहिए हमारे सरकार को, समझ गए। इस जहाँ भी आया था पाकिस्तान से, वो भी आया था या कुनेमन के देखे थे आपने, वो क्या नाम था जो बम्बई बम धमाका में था, इसी हमारे इस हिसाब से जो हमारे देश के अंदर में है सबको बिल्कुल खाली करवाना चाहिए देश से। तो एक दो लोग और हैं उनसे बात करते हैं, फिर हम लोग अपना प्रोग्राम जो है वो खत्म करेंगे। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रंजीत। अच्छा, देश में जो चल रहा है सीमा यादव को लेके, क्या आप क्या सोच रहे हैं? मतलब किस बारे में? सीमा हैदर को एक तरफ उनकी लव स्टोरी बताई जा रही थी, अब देश की सुरक्षा पे जो है वो सवाल उठ रहे हैं, क्या नहीं? बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, बट ठीक है कि बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा देश जो है सेंसिटिव जोन में चल रहा है और इसके लिए क्या है कि अलाउड नहीं होना चाहिए, और कोई अगर इस तरह से आ भी जाए तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। और अगर इल्लीगल तरीके से आ भी जाता है तो क्या करना? वापस भेज देना चाहिए। 100% क्या कहेंगे? किस चीज़ के बारे में? सीमा हैदर पे क्या राय है आप? ये बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ। अच्छा, भारत आ गई है बहुत। जहाँ तो यहाँ मूर्ख लोग रहेंगे ना, तब तक के लिए अच्छा है। अच्छा, हाँ। मूर्ख क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग ऐसे ही लोगों को गले लगा लेते हैं। अच्छा, हाँ। क्यों? बगैर जाने सुने, बिना जाने? हाँ, सबको मैं। आपको क्या लगता है कौन है फिर वो? अब जो है वो सब जानता है, उसे क्या बताया जाए? सब कैसे जानता है? आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं बता। आज तो खैर हो रही है, लेकिन सब कह रहे हैं भाई वो प्यार में आई है। नहीं नहीं, प्यार में नहीं आई है, वो साजिश है। साजिश है? कौन कर रहा है साजिश? अब हर चीज़ नहीं बताया जा सकता ना, समझने वाले। किस लिए की जा रही है? अब जो भी है, देश को नुकसान पहुंचाने की जा रही है। बस बस वही चीज़ है, वही चीज़। चलिए, बहुत सारे लोग थे सीमा हैदर को लेके, अपनी राय भी जो है वो रख चुके हैं। क्या कुछ राय है? दो टूक जिसे कहें कि लोगों ने अपनी राय सीधे तौर पर रख दी है और कह दिया है कि कोई हमारा जो देश है वो जो भी आए उसे गले लगा लेता है, ये बात बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इल्लीगल तरीके से आता है तो उसे तुरंत जो है वो जहाँ से आया उसे वहाँ भेज देना चाहिए, और अगर वो किसी संस्था से, जो ऐसी संस्था है जो किसी के देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है, तो उस इंसान की तुरंत जो है वो कार्यवाही की जानी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सीधे तौर पर सीमा हैदर को जो है वो खुफिया एजेंट जो है वो बता दिया है। हालांकि चीज़ें जो हैं वो दो चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ उनकी लव स्टोरी की बात की जा रही है, उनके प्यार की स्टोरी की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है उनको एजेंट भी बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है सीमा हैदर को लेकर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए जनहित टाइम के इस खास कार्यक्रम बात जनहित के में इतना ही। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।